कहीं भी अगर जिंदा जानवर तोल के बिक रहे हो ना तो ये बिल्कुल जायज़ है, जिंदा जानवर तोल के ले सकते हैं। बल्कि मेरे ख्याल में जहां उन्होंने रेट लिख के लगाया हुआ है ना कि 280 380 480 रुपए किलो, जो भी रेट लिख के लगाया हुआ है, वहां पे दो नंबर ये बड़ी कम होती हैं भाई। जानवर खड़ा है, वजन किया, रेट लिखा हुआ है, आप कैलकुलेशन करो, समझ में आ रहा है ले लो, नहीं तो बाहर। यहाँ पे ज़रा निस्बतन बेहतर रहता है। लेकिन बहरहाल ये कोई उसूल मैं नहीं बता रहा, लेकिन आम तौर से ऐसा महसूस मुझे होता है कि इसमें ज़रा चक्करबाजियाँ कम होती हैं। अच्छा जी, मंडी जाने वाले एक बात का और ख्याल करें, उनके अपने कपड़े नापाक ना हो इसका भी ख्याल करें। खुद भी पाक रहें, इसका ख्याल करने की ज़रूरत है। कौन सा जानवर ख़रीदना है, याद रखिए, ये वो जानवर है जो आपने अपने रब को पेश करना है। कौन सा जानवर आप ख़रीद रहे हैं, जो आपने अपने रब को पेश करना है। इसलिए कोशिश करें अपनी गुंजाइश के मुताबिक रहते हुए उम्दा, खूबसूरत, सही सालम जानवर, अच्छा जानवर ख़रीदें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आँख कान देख लिया करो, ऐब वाला ना हो, अल्लाह के हुजूर पेश करना है। अच्छा जी, ऊँट और ऊँटनी ये भी कुर्बान हो सकते हैं। कौन कौन से जानवर कुर्बान हो सकते हैं, सवाल जवाब। ऊँट और ऊँटनी 5 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए, 1 घंटा भी कम है तो कुर्बानी नहीं होगी। गाय और बैल, भैंस भैंसा 2 साल पूरे होने चाहिए, 1 घंटा भी कम है तो नहीं होगी कुर्बानी। बकरा बकरी 1 साल, भेड़ दुम्बा वगैरह 1 साल, लेकिन अगर वो 6-8 महीने के हैं, लगते पूरे 1 साल के हैं तो उसमें गुंजाइश है। अच्छा जी, अगला सवाल आपसे पूछता हूँ, जो मंडियों में जाने वाले हाथ खड़े किए थे, बताएं जी, 2 दांत ज़्यादा ज़रूरी हैं या 2 साल? 2 साल। सब ने सही जवाब दिया माशाल्लाह। 2 साल ज़्यादा ज़रूरी हैं, 2 दांत ज़रूरी नहीं है। 2 दांत बहरहाल एक अलामत हैं, लेकिन असल 2 साल है, असल 2 दांत नहीं।